अनुशक्ति नगर के सक्रिय नेता जेपी अग्रवाल ने हजारों समर्थकों के बीच बहुजन समाज पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। कभी मन से उसके बाद शिवसेना के माध्यम से जन जन तक का काम करने वाले जेपी अग्रवाल के पर्चा भरने से अनुशक्ति नगर में चुनावी गणित बिगड़ सकता है। आइए उनसे जानते हैं क्या मुद्दे होंगे उनके इस चुनाव में। अग्रवाल समाज के एक एजुकेटेड, और मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, मेरे सामने बहुत बड़े बड़े लोग खड़े, मायावती बंजी का और पूरी बीएसपी पार्टी का दिल से अभिमान मानना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे टिकट दिया, अभी जा रहा हूँ फॉर्म भरने। लोगों का प्यार आप देख रहे हो, उमड़ के आ रहा है, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, सबका आशीर्वाद रहेगा, तो कुछ अनुशक्ति नगर में नया मिलेगा। पिछले 10 सालों से आप देख रहे हो, यहाँ जो अभी मेरे विरुद्ध में दोनों आमदार खड़े, एक कैबिनेट मंत्री था और एक दूसरे आमदार की सेकेंड टर्म है, पिछले 5 सालों में जो विकास होना चाहिए था ये अनुशक्ति नगर में या 10 सालों में आप देख रहे हो। जो ईस्टर्न फ्रीवे एक्सप्रेस गया, लेकिन वहाँ के आजू बाजू के जो झुपड़पट्टी के लोग हैं उनको उस पर रोड नहीं दिया गया। यहाँ कब्रस्तान की समस्या बहुत बड़ी है। आमदार लोगों के काम शेड भरना, नाली साफ करना ये नहीं है। आमदार का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, अच्छे कॉलेजेस तैयार करना, रोजगार उपलब्ध करके देना। अगर लोगों का प्यार मुझे मिला और मेरी जो निशानी है बहुजन समाजवादी पार्टी की, समाज की पार्टी की निशानी हत्ती, जो बाबा साहब की निशानी थी हत्ती, अगर उसके लोगों ने विश्वास दिया और मतदान किया तो विधानसभा में जैसे मैं पैर रखूंगा, मैं आप सबके साक्षी से बोलता हूँ कि अनुशक्ति नगर अगले 5 साल में पूरा आपको एक डेवलप अनुशक्ति नगर दिखेगा। देखो नवाब मलिक साहब बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री, कामगार मंत्री रह चुके, काते साहब का भी आपने देखा है कि बहुत अच्छा परिचय है शिवसेना में। आज उनके विरुद्ध में पूरी शिवसेना होने के बावजूद उनको टिकट दिया गया है। मुझे किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है। पिछले 20 सालों के राजकारण में जो मैंने लोगों के लिए काम किया, आज मेरी माता भगिनी, मैं थोड़ी देर रैली में देखा कि वो बैठ गई, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं मेरी माता भगिनी के लिए चल के ही आ रहा हूँ। मेरे में एक तलमल है लोगों का काम करने की, सामने वाले के बारे में गलत बोलने की, अच्छा मैं तो एक ही बोलूँगा, बहुजन पार्टी का एक सुविचार है, हत्ती चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और इस बार लोगों ने सोचा है जेपी भाई आमदार, तो उनके लोगों के विश्वास पर मैं खरा उठूंगा, दूसरे के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा कि कितनी टक्कर है क्या टक्कर है, बोलने में कोई होता नहीं। ये मत पेटी जिस दिन खुलेगी 24 तारीख को, उसी दिन मुझे लगेगा कि क्या टक्कर है। अभी मैं किसी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना विश्वास आप मीडिया के मार्फत दे सकता हो कि अनुशक्ति नगर का अगर विकास करना हो तो एक बार मुझे चांस दो। तुमने दोनों को चांस देके देखा है, और मुझे चांस दो जरूर। मैं एक एजुकेटेड, मतलब बीकॉम हुआ हूँ, मुझे पूरा नॉलेज है कि किस तरह प्रशासन में जाके काम करके लेना है। मेरे पीछे कोई ताकत नहीं, होते हुए भी मैं लोगों का काम करता हूँ। अगर मेरे हाथ में आपने सत्ता दी, अगर मुझे आपने आमदार बनाया, तो मैं असेंबली में जरूर और जरूर पूरे अनुशक्ति नगर का विकास करने के लिए मैं पूरे दिल जान से काम करूँ। जब समाज कारण करना हो तो किसी ना किसी पार्टी को साथ लेके चलना पड़ता है। आप शिवसेना बोलते हो, मैं तो 1999 से शिवसेना में हूँ। भारतीय विद्यार्थी सेना के जब राजसाहब ठाकरे अध्यक्ष थे, राजाभाव चौहले कार्य अध्यक्ष थे, मैं नवीन आचार्य इनके मार्गदर्शन में काम किया, लेकिन 2006 में मैंने देखा कि राजसाहब ठाकरे पर अन्याय हुआ, तो मैं उनके साथ चला गया। मैंने उनके लिए बहुत आंदोलन की, लेकिन जब 2009 में साहब को मैंने टिकट के लिए इच्छा जताई तो मुझे ऐसा कहा गया कि आप परप्रांतीय हो, मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, मेरी मातृभाषा मुझे नहीं आती है, मैं बचपन से जय भीम सलाम वालेकुम बोल के बड़ा हुआ, मैं किस तरह परप्रांतीय था, ये राजसाहब ने मुझे जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने सेने में प्रवेश किया। सेने में प्रवेश करने का यही कारण था कि सत्ते में होने से लोगों का काम हो सकता है। मैंने देखा कि सत्ते में हो जाने के बावजूद मेरे लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, मेरे लोग बेरोजगार है। आज इधर इतने इंडस्ट्री थे उनका, उधर कोई लड़के नौकरी पे नहीं लग रहे, इसके लिए मैंने आज ये निर्णय लिया है। इस निर्णय से सारी जनता खुश है, और जो नहीं खुश है उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आगे अगर आपको विकास चाहिए अनुशक्ति नगर विधानसभा में, तो आप मुझे जरूर जरूर हत्ती में मतदान करें। कैमरामैन देवदास वानखेड़े के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।